देखो, ये देखो, ये सीट है हमारा यहाँ पर, और ये देखो विंडो। फर्स्ट ए सी में ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी सोलो ट्रैवल। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर रखा हुआ है जो भी चद्दर वगैरह मिल। यहाँ पर देख सकते हो जो एसी में अपने को तकिया और चद्दर मिलते हैं यहाँ। वेलकम टू श्रीकांत राव साहब चैनल। तो इस चैनल पे मैंने नाम अभी फ़िलहाल में चेंज किया हुआ है। बाकी आज मैं देने वाला हूँ आपको, आज का व्लॉग रहेगा दादर LTT टू गोरखपुर जो ट्रेन जाती है 15017। और ये इसमें हम आज जर्नी कर रहे थर्ड एसी। कैसा ट्रैवलिंग रहेगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी मैंने नाम अभी फ़िलहाल में चेंज किया, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है और इसका 6:35 का टाइम था, 10 मिनट लेट आई है। बाकी देख सकते हो गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, चलते हैं अंदर देखते कैसा क्या है। तो फ्रेंड्स, तो अभी ट्रेन लग चुका है, 5 मिनट डिले है अभी, 5 से 10 मिनट, और बाकी अभी जब चालू होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा। और ये देख सकते हो भाई आए थे हम लोग को छोड़ने, ये दो भाई, और अभी ये लोग भी जा रहे हैं, और मैं चलता हूँ ट्रेन में, देखते हैं कैसा क्या है। थर्ड एसी में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, चलते हैं अंदर देखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ देर के बाद देखो जल्दी ट्रेन, और आधा से 45 मिनट लेट है। एंड ये देखो यहाँ पर अभी जस्ट यहाँ से छुट्टी है LTT से, तो फ्रेंड्स देखो काफ़ी देर के बाद और चली है ट्रेन यहाँ से LTT से, ये देख सकते हो। तो अभी चलते अपने सीट पे देखते हैं। तो अभी मैं इस टाइम वो बाथरूम में हूँ इस ट्रेन के थर्ड एसी के, और अभी मैं जस्ट अभी मुँह धोया, फ्रेश हुआ अभी, और जाते हैं अभी अपने सीट पे। और बाकी ये देखो यहाँ का इसका थर्ड बाथरूम है, थर्ड एसी का ऐसा कुछ, ये प्रेस वगैरह का बटन, चलते बाहर देखते कैसे गए। यहाँ पर देख सकते हो जो एसी में अपने को तकिया और चद्दर मिलते हैं यहाँ पर सभी रखे हुए हैं। एंड यहाँ पर एक अंकल रहेंगे, वो देखभाल करेंगे, जो उनकी ड्यूटी लगी रहेगी। सभी बोगी में रहते हैं थर्ड एसी, जिसमें भी चद्दर तकिया दिए जाते हैं सभी में रहते हैं। बाकी ये देखो, और ट्रेन अभी चल रही है, ये देख सकते हो यहाँ पर 5017 लोकमान्य टिहर टर्मिनस गोरखपुर काशी एक्सप्रेस वाया भुसावल जबलपुर। तो देखो ये देखो, ये सीट है हमारा यहाँ पर, और ये देखो विंडो। फर्स्ट लैंग्वेज एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी सोलो ट्रैवल। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर रखा हुआ है जो भी चद्दर वगैरह मिलता है। बाकी ये देखो अभी इस पर फॉर्म लगा हुआ है, पूरा प्रॉपर सही से दिख नहीं रहा है, तो अभी ये जब साफ होगा तो अच्छे से वीडियो भी शूट करेंगे। बाकी अभी मैं खाऊँगा, थोड़ी देर बाद खाऊँगा, अभी 8 बज रहा है, अभी कल्याण आएगा, थाने आएगा, फिर कल्याण में जो भी सीट खाली है कुछ लोग बैठ जाएंगे यहाँ पर, काफ़ी लोग मतलब अभी पूरी ट्रेन फुल नहीं हुई है, कल्याण में ज़्यादातर लोग बैठते हैं, तो अभी वेट करेंगे। बाकी मिलते आपको नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा नेक्स्ट स्टॉप पे। फ्रेंड्स अभी घर पहुंचे, अभी 1 घंटा डिले है यहाँ पर, ये देख सकते हो थाने स्टेशन, और ये इधर मुंबई का लोकल। अभी यहाँ पर थाने में करीबन ये रुकी रहेगी 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट पकड़ लो। अभी यहाँ से भी चल रही है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, और देखते हैं कल्याण में कितना देर रुकता है। बाकी जो ट्रेन तो 1.5 घंटा अभी डिले स्टेशन से, क्योंकि जो UP से ट्रेन आ जा रही है काफ़ी ज़्यादा कोहरा, फॉग जो काफ़ी ज़्यादा पड़ा है मतलब UP में,
यहाँ पर आने के बाद उतना नहीं है। बाकी अभी ट्रेन में एसी चल रहा है, अभी देखो यूपी में घुसते ही क्या चलता है, मेट्रो चालू होता है कि नहीं। ये देखो थाने और बाकी ये लोकल ट्रेन यहाँ की देख सकते हो यहाँ पर, और ये लोकल ट्रेन चल रही है यहाँ पर, और यहाँ से थाने से अभी निकलेगी, स्पीड पकड़ेगी, फिर देखते हैं कैसा क्या है। सीटें खाली थी ऐसे की, टिकट पे ही चढ़ेंगे, दूसरे टिकट रहेगा। बाकी देख सकते हो कल्याण, और अभी नेक्स्ट मिलते हैं, आते हैं पहले देखते हैं क्या करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी देर के बाद मैं सो के उठा तो ये कौन सा स्टेशन आया है, देखते हैं कौन सा स्टेशन आया है। नेपानगर आया है, यहाँ पर देख सकते हो नेपानगर से जस्ट अभी निकली है। फ्रेंड्स, अभी इटारसी आ गया, यहाँ पर मैं अभी उतरूँगा, देखता हूँ खाना कहीं मिले तो लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर इटारसी जाते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में ही पहुँची है प्रयागराज, अभी यहाँ पर रुकेगी 25 से 30 मिनट तक। जस्ट प्रयागराज से निकली है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रयागराज से निकल गई, ये 2 घंटा ट्रेन डीले है और अभी चल रही है। देखो कितने बजे छोड़ दी हमें बनारस। तो फाइनली मैं घर पे पहुंच गया हूं, और आगे का वीडियो नहीं बनाया, मैं चार्जिंग नहीं था। वीडियो कैसा लगे कमेंट करो, बाय।